45 डिग्री तापमान के बीच और ताप बढ़ गया जब पीएम मोदी बिहार में जनसभा करने पहुंचे। पीएम मोदी काराकाटा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बक्सर पहुंचे, जहां चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन के दलों के चुनावी वादों पर जमकर बरसे। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीन कर मुस्लिमों को देना चाहती है और उनके गठबंधन के साथी दल इस पर खामोश हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कांग्रेस देश को अपनी जागीर समझती है, उसे लगता है कि शहजादे ही इकलौते वारिस हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों को देना चाहती है, ये एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम देश को विकास की राह पर आगे ले जाना चाहते हैं, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, लेकिन ये गठबंधन वाले सीए रद्द करना चाहते हैं, वो घुसपैठियों को बढ़ावा देना चाहते हैं और 370 को वापस लाना चाहते हैं। पीएम ने कहा कि विपक्षी दल के लोग तुष्टिकरण के लिए और अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अब ये देश की जनता की संपत्ति की एक्सरे जांच करवाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस आरजेडी के भ्रष्टाचार को देश ने देखा है, ये लोग देश को भी नोटों की गड्डी के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार अब विकास की राह से हटने वाला नहीं है, बिहार ने सालों तक जंगल राज को झेला है, आरजेडी कांग्रेस ने बिहार की पीढ़ियां बर्बाद कर दी, न जाने कितने लोग बिहार से पलायन कर गए, यहां उद्योग धंधे चौपट हो गए, लाखों लोग रोजगार के लिए परेशान हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां राम मंदिर के मसले पर भी कांग्रेस आरजेडी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 500 साल बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, देशवासियों का सपना पूरा हुआ, बक्सर के लोग रामलला के लिए उपहार भेज रहे थे, लेकिन विपक्षी दल वाले प्राण प्रतिष्ठा का भी बहिष्कार कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर भी हमला बोलते हुए कहा कि वो कह रहे थे कि बनारस में मोदी चुनाव हारने वाला है और यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा भी किया। पीएम ने कहा कि ये बातें सुनकर किसी को भी हंसी छूट सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पांचवे और छठे चरण को देखते हुए साफ दिखता है कि अब सारे शहजादों का शटर गिरने वाला है।